गुड मॉर्निंग, जय माता दी। दोस्तों आज माँ मानीला के दर्शन करने जा रहे हैं। बड़ा मानीला जो अपना चौन खाए वाला है और सौ परिवार जा रहे हैं और क्या नाम कहते हैं, माँ मानीला के दर्शन आपको दिखाएंगे। वीडियो बने रहे, पूरा रास्ते का दिखाएंगे आपको कहाँ से जा रहे हैं। ये हमारा कतरीबू का मंदिर है और ये जटा से रास्ता जा रहा है सीधे भिक्यासन होते जाएंगे, जरल होते हुए आगे के मैं आपको पूरा मार्गदर्शन कराऊंगा। दोस्तों मानीला की यात्रा में ये हम चल पड़े भिक्यासन से जरल की तरफ और आपको दिखाऊंगा जो दूसरी नई रोड बनी हुई है यहाँ बाड़ीकोड़ से जो आ रही है मरचूला के लिए, उस रोड का भी दर्शन कराऊंगा आपको। वो देखो सामने पुल दिख रही है छोटी सी हल्की सी, अभी इसका पूरा पुल दिखाऊंगा। ये सामने वाली रो में रोड जा रही है सीधे मरचूला को, ये 32 किलोमीटर कहा जा रहा है कि शॉर्ट है रामनगर के लिए बाड़ीकोड़ से। ये सामने वाली रोड है, अभी आपको पूरा दिखाऊंगा। ये देखो ये पुल है बाड़ीकोड़ से जो मरचूला रोड को जोड़ रही है, ये देखो ये पुल तैयार हो चुका है। ये सामने रोड गई है सीधे रामनगर, जबरदस्त पुल, फ्लाईओवर रेडी है, रास्ता तैयार है और इसमें ट्रैफिक चलने लग गया है। ये देखो, ये देखिए, अभी आपको दिखाएंगे फिर आगे जनला। ये जनल की मार्केट और जनल से हम जाते हुए अब सीधे मानीला को, यहाँ से लेफ्ट। ये सीधा रोड मानीला, ये जनरल पार कर जनरल का ये बॉर्डर है, ये भी फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर है जनरल का। देखो यहाँ से एक रोड देघाट जाती है राइट वाली, लेफ्ट वाली सीधे मानीला डोडाल होते हुए ये रामनगर जाती है। ये है ऊपर बरकिंडा गांव, आपको पूरे उत्तराखंड के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं। ये सीधे मानीला जाएगी रोड, मानीला होते हुए डोट्याल होते हुए सीधे मरचूला और रामनगर पहुंचती है रोड। रोड के हालात तो थोड़ा बहुत सुधर गई है उसे, पर जितनी अच्छी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं अभी रोड। पर फिर भी एक कहावत है इंग्लिश में, नथिंग टू समथिंग द बेटर, तो वो चीज इस पर लागू होती है और इससे ज्यादा नहीं हो सकती। पहुंचने वाले हम लोग, देखो दिव्य दर्शन मानीला माता के, ये उनका रोड आ गया है। मेरे ख्याल से यहाँ से पास ही है, हमें इतना आइडिया नहीं है क्योंकि हम एक बार पहले आए हुए लॉकडाउन में तो मंदिर का दरबार बंद था, अभी दूसरी बार आ रहे हैं तो ये लगभग वहीं का आसपास के रोड का दृश्य है। कुछ टाइम में पहुंचने वाले होंगे, आपको दिखाएंगे सीधे सीधे, ये कहीं और की रोड सीधे जा रहा ना फाइबर सीधे उधर का डोटियाल को। ये पूरा घनघोर चीड़ का जंगल है, जैसे मंदिर पहुंचेंगे आपको दर्शन कराएंगे। अभी मेरे ख्याल से यहां से समय है, ये माँ मानीला का देखो चीड़ के घनघोर जंगल है, देखो बिल्कुल कितना सुंदर, ये बांज के पेड़ है इधर और दृश्य देखो कितना सुंदर है माँ मानीला के मंदिर का। दोस्तों माँ मानीला के नाम पे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सारे पहाड़ के लोग तक जानकारी मिल सके, पहुंच सके। ये देखो कितना सुंदर दृश्य, एकदम बिल्कुल मंदिर के पहले के पास की है ये, पूरा रास्ता देखो कितना सुंदर बिल्कुल एकदम। देखो एक बार जरूर आना, पहाड़ आओगे तो यहाँ जरूर आना। मैं आपको इसीलिए टूरिस्ट पैलेस के लिए पहले बता दे रहा हूँ, जब भी आओ दर्शन करने आ जाना, पूरा रास्ते की इसीलिए वीडियो बना बना के आपको भेज रहा हूँ। आप कहीं भी उल्टा सुल्टा रोड पे जा नहीं पाओगे, सीधे सीधे आओगे और रोड भी पहचान लोगे क्योंकि अभी माँ मानीला का मंदिर आने वाला है कुछ ही समय बाद, फिर मैं आपको भी पूरा दिखाऊंगा एंट्री। ये रास्ते में जब आओगे आपको बहुत ही सुंदर लगेगा,
ये देखो बिल्कुल एकदम सुनसान रोड है ये, और अच्छा व्यू है, देखो दोनों साइड व्यू आ रहा बहुत सुंदर। ये देखिए बिल्कुल सुंदर दृष्टि, ये देखो ये हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई है, हम बैठे हुए हैं और ये देखिए बहुत ही सुंदर दृष्टि। सारे पेड़ जले भाई लेफ्ट राइट, ये कभी आग लगी होगी पहले यहाँ तो उसी हिसाब से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बोर्ड आ गया मानिला, आई लव मानिला, देखो देखो दर्शन करो मानिला के, ये देखो ये सामने मंदिर है, ये देखो आई लव मानिला, ये देखिए पूरा मानिला का मंदिर, वो गेट सामने है वहां भी लगा सकते, इधर भी लगा सकते, कहीं लगा दो। ये देखो माँ मानिला मंदिर का दृश्य, ये माँ मानिला का गेट, ये माँ मानिला का एंट्री द्वार है शक्ति, ये देखो आदि शक्ति पीठ मानिला मरोदरा खंड। इसका मेन एंट्री है, ये हमारे मैडम आ रखी है, ये दोनों बच्चे लीज पर साले, हाँ ले ले। ये माँ मानिला का देखो ये सबसे बड़ा घंटा यहाँ चढ़ाया हुआ है, 108 श्री शांति महाराज जी का पड़ा से, ये देखो घंटी बजाओ, क्षेत्रफाल देवता है, ये क्षेत्रफाल देवता है, ये माँ मानिला में बनाए गए स्थापना करे गए, ये ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव देवता है, देखो ये ब्रह्मदेव देवता है, और धामदेव ये हमारे धामदेव हैं, ये जो कत्री होते राजवंश होते हैं उनके धामदेव देवता हैं, ये मेरे भी गुरु हैं क्योंकि मेरे में गुरु गोरखनाथ का भक्त हूँ और हमारे जो कुल देवता हैं वो महरू हैं, तो ये हमारे गुरु हैं धामदेव जी, ये ब्रह्मदेव हैं, ये उनके भाई हैं, धामदेव और ब्रह्मदेव दो भाई थे, क्षेत्रफाल देवता है इनके पिताजी हैं, और इतना ज्ञान नहीं अगर कुछ भूल रहा हो तो माफ कर देना। ये महारानी है जिया रानी, ये कत्री की राजवंश की रानी है, ये जिया रानी है, ये माता जिया है और ये माँ जिया है, ये कत्री राजवंश का यहाँ बहुत बड़ा दिखार कर बहुत अच्छी बात है। ये बड़ू राज सजयपाल देवता है, ये राजा है क्षेत्रपाल, ये राजा जी हैं, ये इन्हीं का वंश चलता है, बहुत बड़ी चीज मेरे को आज उपलब्धि मिली है। ये गायत्री माता है, सब विराजमान है देखो, और ये नवग्रह देवता है जिसमें पूरे नौ ग्रह लगे हुए हैं, ये नागराज देवता है, ये आप देख सकते हैं, ये नंगारझण देवता है जो पूरे उत्तराखंड में होते हैं, और ये श्री बद्रीनाथ मंदिर का भगवान बद्रीनाथ को यहाँ विराजमान कर रखा है, ये माँ अन्नपूर्णा है जो यहाँ विराजमान है, ये श्री बधाण देवता है जो यहाँ विराजमान है, ये सेम देवता है और ये भी यहाँ विराजमान है, ये नरसिंह देवता है सभी उत्तराखंड में जानते हैं, ये विराजमान है, श्री गोयल देवता है सभी लोग जानते हैं, ये भी यहाँ विराजमान है। मैं सभी देवी देवताओं को झुकाकर सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ, जितने भी देवता यहाँ मानिला में विराजमान हैं, और उनसे अपने आग्रह करता हूँ मेरे उत्तराखंड के सभी क्षेत्रवासियों को सदा सुखी रखें, सबके दुख दलदा दूर करें, सबके घर में सुख शांति प्रदान करें,
सबके कारोबार और नौकरी में पैसे में बरकत करें। मैं अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली से यहाँ पधारा हूँ क्योंकि माँ महिला अपने आप में बहुत बड़ी एक शक्ति है, और आप भी जब भी आओ माँ महिला के दर्शन करके आना, और जरूर आना माँ महिला के मंदिर में। ये मैंने जो आपको दिखाया है, ये कतुर राजवंश का मंदिर का, ये तुमको बहुत कम जगह मिलेगा, ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा इसे देखने को। प्रॉपर विधि विधान से देखिए, लिखे हुए के साथ पूरा हर चीज, एक एक चीज दिखा रखा है। और ये कतुर राजवंश के ही हमारे जो हम भी कतुरी हैं, वो बहुत अच्छा दिखा रखा है, क्योंकि इसमें आप अपने बच्चों को सिखा भी सकते हो और दिखा भी सकते हो, हमारे बच्चे सीख सकते हैं कि हमारे कौन से क्या थे। तो ये सबसे बड़ी चीज हमें मिली है। महादेव जी का बनाया हुआ है त्रिशूल है, देखो महादेव जी का यहाँ पे बना रखा है महिला में, और ये शिवलिंग है। आप कभी यहाँ आओ तो इसके दर्शन जरूर करना। नागराज है तांबे के, और ये श्री नंदिनी है बिठार के विराजमान है यहाँ पे। ये देखो अच्छी तरीके से बिल्कुल फर्स्ट क्लास माँ महिला में भी ये बहुत बड़ा वो कर रखा है, उनका महादेव जी का भव्य कर रखा है। ये महादेव जी का त्रिशूल है, देखो जबरदस्त।